है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। नीमच जिले की तहसील मनासा को धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक समय दोपहर 1 से 4 बजे तक सीहोर वाले श्री पंडित प्रदीप मिश्रा अंतरराष्ट्रीय कथावाचक के मुखाविन से श्री महाशिव पुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। जब से कथा स्थल पर भूमि पूजन हुआ तब से महिला रोज सुबह भजन कीर्तन भी कर रही। कथा का मुख्य उद्देश्य देश में शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें कई सामाजिक संगठन, रिटायर्ड सेना के जवान और मानवता और भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए के बोहरा समाज भी तन मन से सेवा देंगे। जानकारी के अनुसार आज पवन बारिया एसडीएम मनासा और विमलेश उइके एसडीएम और पी मनासा के कथा स्थल का निरीक्षण किया और समिति के सदस्यों से आवागमन के रूट, पंडाल, टॉयलेट, पीने का पानी, भोजन व्यवस्था तक अन्य पर विचार विमर्श भी किया गया। बता दें कि पूर्व में भी दिनेश जैन कलेक्टर नीमच, अंकित जायसवाल पुलिस अधीक्षक नीमच भी कथा का स्थल निरीक्षण कर चुके हैं। सर, यहाँ पर कथा हो रही है प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें क्या योगदान रहेगा आपका? हमारा भोला समाज का पूरा योगदान है, सहयोग है और बहुत खुशी की बात है मनासा शहर के लिए। मिश्रा जी यहाँ बता रहे हैं और आप मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत सफल रहे प्रोग्राम में, हमारी यही आशा है। मतलब तो आपकी समाज भी पूरा योगदान सहायता करेगी। मनासा भोला समाज का पूरा योगदान है। आपका शुभ नाम? यूसुफ लोखन वाला। सर वो क्या पाया गया? सर मनासा में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल को पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुआ था। उसी के अनुरूप में आयोजकों से जो है लगातार बैठकें भी हो रही है। उसी की तैयारी के संबंध में आज जो है 24 मार्च को एसडीओपी साहब के साथ पुलिस हमले और हमारे जो अधिकारी हैं हम यहां पर निरीक्षण करने आए। जो पूर्व में भी 10 मार्च को जो बैठक हुई थी और 19 मार्च को भी कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो बैठक ली गई थी, उसी तैयारियों की क्या आगे जो इन्होंने प्रगति कही है उसी का निरीक्षण करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो पांडाल व्यवस्था के लिए अभी क्योंकि काम अभी अधूरा है इनका, एक अभी सीहोर से एक पांडाल आया है तो उसको लगाने के लिए हमने कहा है कि वो लगाएं और उसमें पीडब्ल्यूडी से फिटनेस प्राप्त करें। उसके साथ इन्होंने जो पेयजल की भी व्यवस्था यहाँ पर अभी की है तो उसमें पीएचई से सुरक्षा मापदंडों अनुसार जो है वो एनओसी प्राप्त करें और भोजन के लिए भी जो ये स्टॉल्स यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग हम जो भोजन बनेगा तो हमने 15-15 जी पंडित मिश्रा जी को कथा देखिए। आज प्रशासनिक अधिकारी ने भी स्थिति का जायजा लिया, उसमें आपका क्या कुल कहना है? सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, वॉलेंटियर भी आए थे, पूरी टीम आई थी तो प्रशासन ने पूरी देखा यहाँ पर व्यवस्था तो काफ़ी संतोषप्रद रहे। वो तो पूर्व से काफ़ी व्यवस्था बढ़ चुकी है और यहाँ पर निरंतर कार्य चल रहा है और यहाँ के जो जनमानस में उनमें इतना उत्साह है, अभी से उस सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर है और वो आ भी रहे हैं तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है भक्तजनों में, सभी में बहुत ही आनंदमय इस कथा को लेकर बहुत उत्साह है। और मनासा नहीं, आसपास के क्षेत्रों की से वॉलेंटियर वगैरह आ रहे हैं, निरंतर हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारा पास बना दीजिए कि हम सेवा के लिए आ रहे हैं तो 7 दिन 8 दिन हम यहीं पर सेवा देते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है तो मैं चाहूँगा मनासा के आसपास की जितनी भी धर्म प्रेमी जनता है आप सभी यहाँ आए और इस शिव महापुराण कथा का जो आयोजन हो रहा है उसका लाभ लें और अपने कर्मों का जो फल है उसको और दुगना करें। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम विकास बांगा, मैं मनासा से निवासी हूँ तो हम यहीं लगे हुए सेवा में ही प्रभु के आशीर्वाद से। जय जय।